नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का राम स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम है इंडियन नेवी SSR MR न्यू वैकेंसी के बारे में। मैं कुछ अपडेट दूंगा आप लोगों को कि वैकेंसी कब तक आने वाली है, DOB क्या रहने वाला है, वैकेंसी कितनी आने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो कम्प्लीटली वीडियो वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए कैंडिडेट के साथ, जो कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन नेवी के एस्पिरेंट बनना चाहते हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उनको ये पता चल सके कि मेरा DOB क्या है, ताकि वो लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई कठिनाई ना आए उनके लिए। ठीक है, तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की पहले बात करते हैं हम लोग, तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स हु फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एस अग्निवीर SSR 4/01/2023। ये जो है 01/2023 का नोटिफिकेशन है, लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें लिखा होगा 02/2023। मे बैच द टोटल वैकेंसी आर 1400। वैकेंसी तो सेम रहेगा 1400, 02/2023 का वैकेंसी जो है 1400 ही रहेगा, इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम ऑफ 280 फीमेल ओनली। सेम होगा उसमें भी, आप लोगों का 02/2020 इनटेक का जब आप लोगों का आएगा उसमें भी जो है 280 ही फीमेल के लिए कंडीशन दिया जाएगा। विल बी ईयर मार्क्ड इन द स्टेट वाइज मैनर, स्टेट वाइज मैनर के आप लोगों से लिया जाएगा बंदों को। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस आर लेड डाउन हेयर इन बिलो। आज बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। ये SSR की बात कर रहा हूँ मैं। क्वालिफाइड इन 10+2 एग्जामिनेशन विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है 10+2 क्वालिफाइड होने चाहिए मैथ एंड फिजिक्स के साथ, एंड एटलीस्ट आपके पास एक सब्जेक्ट होनी चाहिए मैथ एंड फिजिक्स के अलावा, केमिस्ट्री बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस से एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तब आप लोग जो है नेवी SSR अग्निवीर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लोग एज क्राइटेरिया देख रहे हैं, आप लोग एज को एक्सक्लूड कर दीजिए। मैं आपको एज डिस्कस करूंगा वीडियो में आगे कि कैसे हम लोग एज को काउंट करते हैं, लेकिन इसमें जो है ये 01/2023 इंटेक का दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं नेवी MR के एलिजिबिलिटी कंडीशंस और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर MR सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें याद रखिएगा जो वैकेंसी है आप लोग का नेवी MR का वो 100 होता है। वैकेंसी टोटल 100 रहेगा, उसमें से 20 जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। याद रखिएगा 100 वैकेंसी होगा जिसमें कि 20 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है इसमें, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो है बंदा जो होना चाहिए वो 10th जो है एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास होना चाहिए, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, चाहे स्टेट बोर्ड हो गया, जिसके पास वैलिड हो और वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया नेवी MR के लिए, मैंने डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट DOB के ऊपर, जो कि मैंने पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें DOB मैंने गलत अपलोड कर दिया था, बहुत बाई मिस्टेक, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आइए इसमें देखते हैं हम लोग DOB के बारे में। यहाँ पे आप लोग DOB देख सकते हैं, क्या DOB रहने वाला है 02/2023 का। वो रहने वाला है 1 नवंबर 2002 से लेके 31 मार्च 2006, बोथ डेट इंक्लूसिव। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 01/2023 का जो इंटेक आपने डेट ऑफ बर्थ देखा था ना, उसमें 6 मंथ ऐड कर दीजिए। जो 6 मंथ ऐड करने के बाद से आपको जो मिलेगा डेट, वही आप लोग का जो है 02/2023 का इंटेक का आप लोग का जो है वो रहने वाला है। मैंने पिछली वीडियो में यही थोड़ा मिस्टेक हो गया था मुझसे, ये 2002 से लेकर मैंने 2003 कर दिया था। एक बंदे ने मुझे बहुत ही मतलब कमेंट में बताया था कि सर आपने गलती किया है, उस बंदे को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अगर वीडियो वॉच कर रहा है वो, तो वो आप लोग का वो बंदा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर मैंने कहा था ये, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही जो है थोड़ा इंप्रूवमेंट मतलब कराते रहिए मेरे में, ताकि क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मिस्टेक मेरे से हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं इस वीडियो में इतना ही, ये पूरा मैंने डिस्कस कर दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं कि कब आप लोगों का वैकेंसी आने वाला है। तो जो वैकेंसी है वो आप लोगों का, जैसे मान लीजिए कि मिड मई में आपका रिजल्ट आएगा, तो मई के लास्ट में आप लोगों का वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, आ सकता है क्या, आएगा ही। तो मई के लास्ट में मतलब
मई एंड में आप लोगों को वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अप्रैल मई जून में आप लोग फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। समझ गए होंगे कि मिड मई में आप लोग एंड मई में आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा, जून में आप लोग फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।